Very good morning, class 7. Welcome in your science class. Sanya, very good morning. You are the first student of your class. Good morning, all of you. Madhurima, very good morning. Sachin, good morning. Anika, very good morning. Parth Patel, good morning. Good morning to all of you. I hope you sab log Tridha bhi good morning. Sab log acche hoge, hai na? Ghar pe raho, safe raho, surakshit raho. Aas pas ka dhyan rakho. Second chapter chal raha tha. Jisme hamari exercise complete ho gayi. Short answers complete ho gaye. Very short complete ho gaye. Today we are going to start long answers, right? Anybody have any problem related to their topic, voice, video? Yes, beta, safe rahiye, sabse achhi baat hai. Naitik, good morning. Koi problem nahi hai, achhi baat hai. Agar koi samasya aati hai na, टॉपिक को पढ़ते समय, क्वेश्चन आंसर लिखते समय या किसी भी टाइम में, तो आप क्लास के टाइम में डिस्कस कर सकते हो या फिर आप ग्रुप पे भी मैसेज डाल सकते हो या पर्सनल नंबर पे भी आप चैट करके कर सकते हो, बट ओनली रिलेटेड टू देयर टॉपिक, राइट? स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर. अब फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ आर द फोर टाइप्स ऑफ टीथ लोकेटेड इन अवर माउथ, राइट देयर फंक्शंस आल्सो. क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो हमारे फोर टाइप के टीथ हैं वो चारों कैसे अरेंज है ना, और इनके फंक्शंस क्या हैं. ऐसे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बेटा, राइट?
first are incisors. फोर इंटू टू का मतलब क्या है? फोर अपर जा में है, फोर लोअर जा में है ना. फोर जो है वो अपर जा में है और फोर लोअर जा में है, इज इक्वल टू एट होता है ना. तो एट टोटल इंसाइजर की नंबर कितने होते हैं? एट होते हैं. ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखेंगे इरेज करके. डन का रिप्लाई कीजिए, फिर इरेज करके आगे बढ़ेंगे. टेन लोग लाइव हो, डन का रिप्लाई. सेवन लोग का आ गया है. नेक्स्ट हिंट दीजिएगा नंबर टू पे, केनाइन.
ये जो आपके केनाइन होते हैं ये इंसाइजर से नेक्स्ट होते हैं ना, यानी स्टार्टिंग के फोर टीथ जो आपके हैं अपर लोअर जॉ में या पे इंसाइजर हो गए, इसके बाद का नेक्स्ट जो पॉइंटी टीथ है ये क्या है आपका केनाइन, ठीक है ना। यानी कि सामने के चार दांत ये है आपके कौन से इंसाइजर, इनके बाद का नेक्स्ट टीथ जो है इन बोथ जॉ इज केनाइन, राइट। नोट कीजिएगा, फिगर अभी ड्रॉ होगा। प्रीमोलर्स जो है ये केनाइन के पीछे प्रेजेंट होते हैं, है ना, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो चक्की के पाटे के समान होता है, जिसका काम भोजन को तोड़ना और पीसना होता है। नोट कीजिए, फिर बताइए। आपकी बात समझ में नहीं आई है गीता, ठीक है, अपनी बात को कंफर्म करिएगा, क्लियर कीजिएगा क्या कहना चाह रही हैं आप।
ओवर हो गया बेटा. प्री मोलर की स्पेलिंग गलत कहाँ पे है भाई? यस, मोलर हो गई है. इतना तो कंफर्म कर सकते हो भाई. ओके, अब ठीक है. गीता, मैंने आपकी बात समझ नहीं पाई है. दे आर होगा कैनाइंस में या दे आर? ये दे आर होगा. ओके, सॉरी फॉर द करेक्शंस. थैंक यू बताने के लिए. इरेज करूँ ये? The next question is, one sec. Question is, how does digestion take place in ruminants? जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है ना?
प्रोफेसर ये आंसर लेंदी हो गया है. ठीक है, नोट कीजिएगा इसको. हैव अ गुड डे क्लास. थैंक यू.